सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समुल्लास के ऊपर ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें मूर्ति पूजा के खंडन की बातें श्री दयानंद सरस्वती जी ने की है, जो कि एक महान ऋषि हुए हैं। तो आज हम उनकी दी हुई जो दलीलें हैं उसको देखते हैं, उसकी समालोचना करते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि शाक्त आदि ने मूर्तियां जैनियों की अनुकरण नहीं की हैं, क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि की मूर्तियां नहीं हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसके उत्तर में महर्षि दयानंद कहते हैं, हाँ यह ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते हैं तो जैन मत में मिल जाते, इसलिए जैन की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैन से विरोध करना इनका और इनसे विरोध करना जैनियों का मुख्य काम था। जैसे जैनियों की मूर्ति नंगी ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई है, वैष्णवादी ने खूब श्रृंगारित खड़ी स्त्री के सहित रंगराग भोग विषयाशक्ति सहिताकार मूर्तियां बनाई है। जैनी लोग बहुत से शंख घंटा घड़ियाल नहीं बजाते, ये लोग बड़े कोलाहल करते हैं। तब तो इन वैष्णवादी पोपों के चेले जैनियों से बचे और बहुतों ने व्यास आदि के नाम से बहुतेरे ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रख के कथा भी सुनाने लगे और मूर्तियों को बना कहीं पहाड़ जंगल में धर आए व भूमि में गाड़ आए और अपने चेलों से प्रसिद्ध किया कि मुझको स्वप्न में महादेव पार्वती राधा कृष्ण सीता राम व लक्ष्मी नारायण भैरव हनुमान आदि ने कहा कि हम फलाने ठिकाने हैं, हमको वहां से ला मंदिर में स्थापन कर, तो ही पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देवे। जब आंख के अंधे गांठ के पूरे लोगों ने सुनकर सच माना और उनसे कहा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ है, वह उनको ले जाके दिखलाई, तब तो वे मूर्ख उस धूर्त के पग में गिरे और कहा कि तेरे पर इस देवता की बड़ी कृपा है, चलो हम मंदिर बनवा देंगे और उसमें हम देवता की पूजा तू क्या करेगा, उससे इस देवता की पूजा तू क्या करना, और हम लोग इसके दर्शन करके मनोवांछित फल पावेंगे। इस प्रकार जब एक ने किया, पुनः सब पोप लोगों ने अपने अपने जीविकार्थ इसी प्रकार कपट छल से मूर्तियां स्थापन की। तो यहां पर श्री दयानंद जी यह बता रहे हैं कि वैष्णवादी यानी वैष्णव शैव शाक्त वगैरह जो भी हैं, तो इनकी जो मूर्तियां हैं ये जैनियों की जैसी मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि जैनियों की मूर्तियां जो है वो दिगंबर होती हैं और वे ध्यानावस्थित होती हैं, लेकिन इनकी नहीं होती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वैष्णवादियों की मूर्तियां भी ध्यान अवस्था में होती हैं, शैवों की भी मूर्तियां ध्यान अवस्था में होती हैं, शाक्त की भी मूर्तियां ध्यान अवस्था में होती हैं, लेकिन सारी नहीं, कुछ ही। तो जो मूर्तियां हैं वैष्णवादी की, मूर्तियां श्रृंगारित होती हैं और रंग राग भोग विषया शक्ति सहिताकार मूर्तियां बनाई है, तो यह तो अपना देखने का नजरिया है। ध्यान को जरूरी नहीं है कि नंगी अवस्था में ही हो, कपड़े पहनने से भी ध्यान हो सकता है।
श्रृंगार करके भी ध्यान हो सकता है। भगवान कृष्ण तो श्रृंगार करते थे फिर भी ध्यान की अवस्था में बैठते थे, राजा जनक श्रृंगार करते थे फिर भी ध्यान अवस्था में बैठते थे। ध्यान अवस्था में बैठने के लिए ये बाहरी आवरण का होना या ना होना जरूरी नहीं है। कपड़े तो साधु संत भी पहनते हैं, अब उस कपड़े में थोड़ा सा कुछ चमकीला लगा हुआ है तो इससे ध्यान थोड़ी भंग हो जाएगा, और जिसका इतना ध्यान कमजोर होता है वो क्या ध्यान में जाएगा। जो बाहरी या आवरणों से प्रभावित हो जाता है उसका ध्यान में कहीं कोई गतिमति नहीं है। वास्तविक ध्यान तो वह होता है जब व्यक्ति तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी ध्यान में उतर सकता हो, यानी हमारा चित्त कहाँ है वह महत्वपूर्ण है, न कि हमारे शरीर पर कहाँ है और हमारा शरीर कहाँ है। हमारा शरीर श्मशान में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है और शहर में भी हो सकता है। तो हम किसी भी स्थान पर हो सकते हैं और हमारे कोई भी वस्त्र हो सकता है। या हम बिना वस्त्र के भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मूर्ति श्रृंगारित है और मूर्ति के साथ जो है कोई पुरुष मूर्ति है, उसके साथ कोई स्त्री मूर्ति है, यानी देवता और देवी की मूर्ति साथ साथ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वहाँ विषया शक्ति है। असल में विषय से जो प्रभावित होते हैं उन्हें सब जगह विषय दिखेंगे, और उनका आकर्षण वहीं पर बन जाएगा। व्यक्ति का दिमाग कहाँ है, उसका चित्त कहाँ है, उसकी बुद्धि कहाँ है, मन कहाँ है, वह महत्वपूर्ण है। नहीं तो जो कामुक लोग होते हैं उनको तो वस्त्रों में भी कामुकता दिख जाती है, अंगों में भी कामुकता दिखती है, तो आपकी दृष्टि ही बहुत महत्वपूर्ण होती है। दृष्टि फेरने से ही संसार है और दृष्टि फेरने से ही परलोक भी है। ये तो नजरिया होता है व्यक्ति का, तो नजरिया जिस तरह से होगा वैसा ही व्यक्ति की गति होती है, उसके कर्म विचार उस तरह से फिर बनते हैं। जहां अधपकापन होगा वहां पर तो उस तरह का ही आकर्षण बनेगा ही बनेगा। जब तक वास्तविक विरक्ति नहीं होती है तो मनुष्य कपड़ों में लपट जाता है, कपड़े में ही उसकी आंख टिक जाती है, स्त्री में आंख टिक जाती है। तो वैष्णवादी में जो श्रृंगार है वह कोई बाधा नहीं है ध्यान के लिए, और जैनी लोग बहुत से संग घंटा घड़ियाल नहीं बजाते हैं, वैष्णवी लोग बजाते हैं, शैव लोग बजाते हैं। तो घंटा घड़ियाल बजाने के पीछे भी तो उसका कोई रहस्य है, कोई विज्ञान है। घंटा बजाते हैं ताकि जो अपने मस्तिष्क की जो ट्यूनिंग है वो दुनिया से हटा करके उस ध्वनि तरंगों पर ले आए और वहां अपने को फोकस करें। ध्यान की यह एक विधि है, तो मेडिटेशन बॉल भी होते हैं जो बजाए जाते हैं आजकल, उसी तरह से घंटा जो है बहुत पुराने जमाने से ही प्रयोग में लाया जाता है, यह ध्यान विधि है। तो जो ध्वनि तरंगे आ रही हैं उस पर अपने को टिका दें, और घंटे की जो ध्वनि है वो धीरे 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 स्लो होती जाती है, फिर बजता है, फिर आदमी उस पर टिका रहता है, तो कॉन्स्टेंटली वह लगातार जो है तो वहाँ पर धारणा उसकी प्रगाढ़ होती रहती है, और उसके घर गृहस्थी इन सबकी यादों से वह अलग रहता है। तो शंख और घंटा घड़ियाल जो है वो ध्यान के लिए ही बजाया जाता है, ध्यान में वह सहूलियत है, एक साधन है वह, और आम लोगों के लिए ऐसा ही है। बहुत सारे आजकल मेडिटेशन क्लब हैं, मेडिटेशन हाउस हैं, या ध्यान आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, वहाँ भी इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है, मंदिरों में भी यह होता आ रहा है। तो ये कोलाहल नहीं होता है, कोलाहल
जो जिसको ध्यान में नहीं जाना है, जो ध्यान से परिचित नहीं है, उसके लिए कोलाहल है या? कोलाहल तो दुनिया में हर जगह है। जो पशु पक्षियों की बोलियों को भी, जिसको ध्यान नहीं करना, उसके लिए वो कोलाहल हो सकता है। मनुष्यों की बोलियां भी कोलाहल हो सकती हैं। यदि हम अपने लक्ष्य पर हैं और हम अपने माध्यम से जुटे हुए हैं, तो वो हमारे लिए कोलाहल नहीं है। कोलाहल उनके लिए है जिनको ध्यान से कोई लेना देना नहीं, या जो ध्यान की एक अलग विधि फॉलो कर रहे हैं और इस विधि से परिचित नहीं है, तो उनके लिए यह कोलाहल हो जाएगा। फिर है कि व्यास आदि के नाम से बहुतेरे ग्रंथ बनाए, तो इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, या व्यास जी ने बहुत तो अलग से छोटे से ग्रंथ लिखे होंगे, उसको बाद में लोग जोड़ जोड़ करके और बड़ा बड़ा बना दिए, यह भी हो सकता है। यह पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है कि इन लोगों ने व्यास के नाम से ही ग्रंथ बनाए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। इसमें श्री दयानंद सरस्वती जी जो कह रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन साथ में यह भी संभावना है कि व्यास ने उसे बहुत संक्षिप्त में लिखा हो और उसको इन लोगों ने फिर जो है उसमें कुछ कुछ जोड़ 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 करके कुछ और बढ़ा दिया, और कहानियां उसमें जोड़ दी हो, ये हो संभव है, हो सकता है। तो व्यास जी को कोई कॉपीराइट नहीं है कि वे ही जो है ग्रंथ लिखें, दूसरे भी ग्रंथ लिख सकते हैं, और वैष्णवियों के या शैवों के सिर्फ व्यास के ग्रंथ थोड़ी चलते हैं। बहुत सारे शास्त्र हैं, तंत्र में भी शास्त्र हैं, शैवों के शास्त्र अलग हैं, शाक्त के अलग हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, तो बहुत सारे ठीक है, कुछ व्यास के भी नाम पर है और कुछ दूसरे के नाम पर है, और व्यास तो बहुत सारे हुए हैं और आगे भी व्यास हो सकते हैं। यह नहीं है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ही अंतिम व्यास हुए, व्यास का तो मतलब ही होता है जो भी ज्ञान है, जो वेद है, उसको फैला देना। तो व्यास कोई भी हो सकता है, और व्यास ने जो है अपना कॉपीराइट नहीं रखा हुआ है कि टाइटल जो है व्यास के पास ही रहेगी, जो वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन थे, वही उसके पहले पाराशर भी थे, बहुत सारे व्यास हुए। तो यह नहीं है कि कृष्ण द्वैपायन जो अंतिम व्यास होंगे, आज भी व्यास गद्दी पीठ पर बहुत लोग बैठते हैं और प्रवचन करते हैं, तो उपदेश लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो लिख रहा है, बोल रहा है अध्यात्म के विषय में, जो वेद वाक्य हैं उनके विषय में जो भी बोल रहा है, तो उसको विस्तार दे रहा है, तो वह व्यास हो गया। तो व्यास के नाम पर लिखे हैं ग्रंथ, तो इसमें कोई गलती तो है नहीं, लिख सकता है। हमें यह देखना है कि उसमें जो लिखी हुई बात है वह सही है या नहीं सही है। सही है तो कितना सही है, गलत है तो कितना गलत है, उसके हिसाब से उसको निर्णय लेना है। और व्यास के नाम पर कोई भी लिख सकता है, कोई भी व्यास बन सकता है। व्यास ने यह नहीं कहा है कि मैं अंतिम व्यास हूं, मेरे बाद कोई व्यास नहीं बनेगा। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि मैं अंतिम पैगंबर हूं, कोई इसके बाद पैगंबर नहीं बनेगा, या जैनी सब कहते हैं कि जो महावीर थे वे अंतिम तीर्थंकर थे, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हो, इस तरह की बातें तो नहीं कही गई है। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने तो यह नहीं कहा कि मैं अंतिम व्यास हूं, मेरे बाद कोई व्यास नहीं होगा। अब इसके बाद जो ये है, इनका आरोप है दयानंद जी का, कि ये जो क्या करते थे, जो पोप जिनको ये कह रहे हैं, यानी पंडित पुरोहित तो आजीविका करने वालों की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो है ढोंगी लोग क्या करते थे, कहते थे कि उनको स्वप्न में आया है कि महादेव जो है पार्वती, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी, ये सब जो है, ये हनुमान ने कहा कि फलाने जगह जो है हमारी मूर्ति है, वहां से निकाल करके हमारे लिए मंदिर बना दो, और ये स्वयं ही मूर्ति बनाकर वहां रख लेते थे। तो ये केस कुछ होते हैं, मैं दयानंद जी से यहां सहमत हूं, लेकिन जितने भी मंदिर बने हैं वो सारे इसी आधार पर थोड़ी बने हैं। ऐसे ऐसे ठीक है, कुछ इस तरह के लोग हैं आजीविका वाले, लेकिन एक दो आजीविका वाले इस तरह हो जाएंगे, या 10 भी हो जाएंगे, या 20 भी हो जाएंगे, तो इसके कारण पूरा जो है सनातन परंपरा, पूरा हिंदुओं का संप्रदाय गलत थोड़ी हो जाएगा। और सारे मंदिर इसी आधार पर बने तो यह भी नहीं कहा जा सकता है। और जिनके स्वप्न में आए
तो सारे लोग फ्रॉड ही थे, तो ऐसा भी नहीं कह सकता, हो सकता है किसी का सही में भी ऐसा हो, क्योंकि ये स्वप्न विज्ञान का तो यह एक रहस्य है कि वह कहीं से सूचना भी दे सकता है किसी को। बहुतों को इस तरह के आभास आते हैं, स्वप्न में दर्शन होते हैं, तो सारे वे ठग ही होंगे, कोई जरूरी नहीं है। किसी को वास्तव में किसी को स्वप्न आया और वास्तव में वहां मूर्ति निकली हो, यह भी संभव है। इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है, प्रोबेबिलिटी का नियम तो यहां भी लागू होगा, और ठग भी होंगे, यह बात भी सच है। तो ठग जो ठग हैं तो उसकी ठीक है आलोचना होनी चाहिए, लेकिन सारे ठग हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और फिर सारे लोग आजीविका के लिए ही यह कर रहे हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता है। व्यक्ति की श्रद्धा हो सकती है, ईश्वर में आस्था है, ईश्वर के साकार स्वरूप में आस्था है, तो वह व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, उसको इस तरह के स्वप्न आ सकते हैं, वहां से उसे मूर्ति प्राप्त हो सकती है और मंदिर स्थापना भी हो सकती है। लोगों की श्रद्धा पर है, वे मंदिर अगर बनवा रहे हैं तो दूसरे को क्या पेट में दर्द होना। कोई भी पूजा स्थल बनाता है तो दूसरे को पेट में क्यों दर्द होना, भाई आर्य समाज का भी तो मंदिर बना है तो दूसरे को क्यों पेट में दर्द होना। जितने भी मत वाले हैं सभी लोगों ने अपने अपने पूजा स्थल बनाए हैं अपने अपने तरीके से, तो अगर हिंदू सब या इनके अनुसार पौराणिक सब अगर अपना मंदिर बनाते हैं तो किसी को पेट में क्यों दर्द हो। आइए, संवैधानिक अधिकार भी है, वो अपनी आस्था है उसकी, वो जिसमें भी अपनी आस्था रखे और जैसा भी मंदिर बनाए, किसी अन्य को कहने का वाला कौन सा अधिकार है। कौन कौन व्यक्ति होता है जो दूसरे को कहेगा कि नहीं तू ये गलत करता है। गलती तो बहुत लोगों से होती है, किसी से भी गलती हो सकती है, और जो बातें हो सकता है कि आपको गलती लगती हो सकता है वो सही भी हो, एक अलग एंगल से, अलग दृष्टिकोण से, आपके नजरिए से गलत है, उनके नजरिए से सही है। तो अब ऐसा नहीं है कि जितने लोगों को स्वप्न होता है वे यही कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि तू ही पूजा करना, यहां पर यह कहना भी उतना उचित नहीं है। हो सकता है कि यह अभी कहा हो, लेकिन हर जहां पर मंदिर बनते हैं हर व्यक्ति जो इसको स्वप्न में आते हैं वो वही पूजा करने नहीं बैठ जाता, वो कब्जा करके नहीं बैठ जाता है, तो वह भी पूजा करता है, अन्य लोग भी पूजा करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है ये छल से मूर्तियां रखी गई हैं, कोई जरूरी नहीं, छल से भी कहीं कहीं रखी जाती हैं, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन यह एक नियम नहीं है। यह नियम नहीं है कि सभी मूर्तियां छल से ही बनाई गई, छल से ही वहां पर खोजी गई, छल से ही रखी गई और छल से ही पूजी जा रही है, ऐसी बातें नहीं है। तो इसमें इतना ही, इसके बाद अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। हरिओम।